भारत और श्रीलंका के बीच अब से कुछ ही देर में दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और आज भारतीय टीम को लेकर तमाम तरीके की बातचीत हो रही है। पूरी दुनिया भारत की इस नई नवेली टीम की बात तो कर ही रही थी, लेकिन आज भारत की टीम और अलग अंदाज में नजर आएगी, यानी कि आज भारत की सी टीम आप देखते नजर आएंगे। दरअसल कृणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव होने के बाद ये बात तो तय है कि आज भारतीय टीम के लिए कई नए खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिलेगा। देवदत्त पाडिकल, ऋतुराज गायकवाड, चेतन सकरिया और नीतीश राणा को आज T20I कैप्स दे दी गई हैं और वो इस टीम का हिस्सा हैं। बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन, शिखर धवन, देवदत्त पाडिकल, नीतीश राणा और ऋतुराज गायकवाड़, ये पांच ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिर्फ इस मुकाबले के लिए अवेलेबल हैं और कल के मुकाबले के लिए भी अवेलेबल हैं, क्योंकि बाकी सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दीपक चार, मनीष पांडे, पांड्या ब्रदर्स, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन इस टीम का हिस्सा नहीं है, अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यानी कि आज के मुकाबले में और कल के मुकाबले में आप इन्हीं खिलाड़ियों को खेलते देखेंगे। इनके पास एक सुनहरा मौका है अपने आप को यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का। वहीं ईशान पोरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, आर साई किशोर और सिमरजीत सिंह को ऑफिशियल इंडिया स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। हालांकि इनमें से किसी को भी आज के मुकाबले में खिलाया नहीं गया है, लेकिन आप कल इन खिलाड़ियों को देख सकते हैं। आज भारत की टीम थोड़ी कमजोर जरूर नजर आ रही है, लेकिन इंतजार है तो इस भारतीय टीम के जज्बे का, युवा खिलाड़ियों के जज्बे का। पिछले 6 महीने में भारत ने जिस तरीके से युवा टैलेंट को प्रोड्यूस किया है, ये बात तो तय है कि ये सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा अपने आप को साबित करने में कामयाब होंगे। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।